राशिद लतीफ साहब, गुज़िश्ता रात तो आपने एक्स अकाउंट पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है। हम आपसे सोर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं पीसीबी की जानिब से, वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं, ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप चार साल पांच साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम समझ के मैं बाप हूँ इंडिया समझ रहा है? मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, पाकिस्तान टॉप ही होता था। बड़ी तैयारियां हमने की हैं और बड़े स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट भी किए इन तमाम चीजों पर, लेकिन अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबरा इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। चला जाए ये सिर्फ जो मामला है, ये सिर्फ आईसीसी का, पीसीबी का और बीसीसीआई का नहीं, बीसीसीआई के लोग भी लाचारों नाम मुराद है, क्योंकि सारा कुछ जो गुजरा न्यू दिल्ली कर रहा है, वो तो बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है सब कुछ, क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे, अब 11th आर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की टाइट करेंगे या नहीं करेंगे? खुदा ना खासा अगर वो नहीं करते हैं और बलरा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी यही नजर आ रहा है कि दो बड़ी कंपनीज वो भी भारत से ताल्लुक रखती है, कंसर्न वाइज इंग्लैंड की टीम है, मतलब की उनकी टीम है, लेकिन सब मिलके ये एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत है पाकिस्तान पे, ये चैंपियन ट्रॉफी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर पूरी दुनिया की क्रिकेट फीकी है। नहीं, फिर अगर आईसीसी हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं नवंबर को होने वाले आईसीसी मीटिंग को लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी परेशान है। उनका कहना है कि बीसीसीआई के प्रेशर में सभी बोर्ड उनकी बात मान लेगा और अगर वोटिंग हुई तो चैंपियन ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से छिन जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मगर भारत के मुसलसल इनकार और पीसीबी के सख्त मौकफ की वजह से आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला जुम्मे को होगा। इत्तलात है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट कराने की तजवीज दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस मामले पर अपना दो टोक मौकफ पेश कर चुका है, जिसके बाद वोटिंग के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो सकता है। जय शाह के आईसीसी के चेयरमैनशिप संभालने से सिर्फ दो दिन पहले बोर्ड मीटिंग का इनेकाद भी मानी खेस है। जी बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल से मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने यही कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आ चुका है और सख्त मौकफ अपनाना चाहिए। जो ये मौकफ चेंज हुआ है, श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं, ये बहुत अहम चीज़ें जो चेंज हुई हैं, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपना साथ जो करीब ममालिक थे अब हैं वो भी छोड़ते चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं, एक हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले नोटिस देने का मतलब है कि इमरजेंसी मीटिंग है, जिसके अंदर काफी तब्दीलियां नजर आ सकती है आपको। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर ही रहना चाहिए कि भाई भारत ने भी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के पार्टिसिपेटिंग माहदे पर दस्तखत कर रखे हैं, और अगर वो ये बात करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो उनसे पूछा जाए कि भाई अक्टूबर में आपका वफद आया था इस्लामाबाद, और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी हम आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, सारी टीमों को सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आप आएंगे तभी तो पता चलेगा, और अगर इस बार नहीं तो फिर मुस्तकबिल में जो 2025 से 2031 के दौरान आईसीसी के 3 बड़े मुकाबलों की मेजबानी भारत के पास है, उसका फैसला भी अभी आप कर लीजिए, आप नहीं तो फिर हम भी नहीं। जी ऐसा ही है, और ये सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी की डिसीजन नहीं होगा, इसमें आगे की आईसीसी की तमाम क्रिकेट जो 2031 तक है उसका फैसला डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तमाम टूर्नामेंट में, उसकी भी शर्त यही होगी कि जो टूर्नामेंट भारत में खेले जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
वो गवर्नमेंट हमने कभी प्रॉब्लम नहीं की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ये बहुत पॉजिटिव साइन है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं किया कि आप भारत ना जाए या आप इससे नहीं खेले। हमें प्रॉब्लम हमेशा से बाहर से ही आ रही है। एक चीज और कर सकते थे इसके अंदर पीसीबी वाले, उसमें ये था कि ये डिले कर देते मीटिंग को, 29 को है ये, 31 दिसंबर के बाद फर्स्ट के बाद ले जाते कि जय शाह जब अपना सदारत जो प्रेसिडेंट आईसीसी के जो भी बन रहे बन जाते तो बॉल आईसीसी के कोर्ट में नहीं जाती, वो जाती जय शाह के कोर्ट में जो कि अभी रिसेंटली बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का डिले बहुत जरूरी था पीसीबी के लिए, जहां इतना डिले हो गया वहां पे इसको डिले कर सकते थे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है आईसीसी की, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं ये वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट जो फ्राइडे को मीटिंग है। कि ये हंगामी इजलास हो रहा है, वोटिंग इसमें होगी, जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है क्योंकि उसने सारे पैसे ही जो है वो आपको देने की बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के होने के ऊपर। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्या हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, सारी चीजें करनी है, उनका विजिट नहीं हुआ। तो अगर वो नहीं आए और उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, ये उनका मौकफ है जहाँ जरा से मालूम चला है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दफा अपना स्टेप लेना चाहिए। तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ए टीम जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया कि मुल्तवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाकईतन ये जो एहतजाज हैं मुजाहरे हैं ये पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर मसाइल इसके लिए इसके इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किल बढ़ रही हैं? ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकते। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग ला के दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। 4-5 दिन के लिए मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ का फायदा उठाएंगे और उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से है, क्या हालात है, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है। मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है, क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात उनका को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें, हमारा सेफ कंट्री है। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है मुझे वो बताओ, हमारा घर सेफ है। ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, सियासत को खेल से भारत आईसीसी के नीचे खेलेगा हमारे साथ, तो आईसीसी के रूल्स ऑफ गेम है, भारत को उसके साथ चलने की जरूरत है। भारत अकेला कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए और बाकी सारी टीम्स को अपने प्रेशर के साथ चलाए तो कितनी बार खेलेगा, किसके साथ खेलेगा और कौन देखेगा? भारत को हमारे सबके साथ खेलना पड़ेगा, सब टीमों के साथ। आप चंद दिन कुछ को दबाव में रखेंगे और कुछ ज्यादा दिन ज्यादा टीमें दबाव, हमेशा के लिए सबको दबाव में लेके नहीं चल सकते, रूल्स ऑफ गेम के साथ चलना पड़ता है। तो भारत को भी आईसीसी के रूल्स के साथ चलने की जरूरत है। अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हमको नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा, आप देखें ना कि वो पहले से हाइब्रिड पर शुरू थे मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं या फिर किसी ना किसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की कोशिश करते हैं हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं, हम कट ऑफ कर लें। कैसे हमें पाकिस्तान को कट ऑफ आने वाला आए कोई नहीं आज तक ना आएगा। हाँ। राजा साहब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पहले ये खबरें आ रही थी, पाकिस्तान तो अपनी जगह पर अभी तक डटा है और ये कह रहा है पाकिस्तान कि हम नहीं इस अपने मौकफ से हटेंगे कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आना शुरू हुई हैं और ये लग रहा है कि शायद अब हाइब्रिड की तरफ जाया जाएगा। मुझे लगता है आईसीसी भी इस किस्म का की डबल गेम खेलने वाला है और अगर हमने उनको फर्दर कोई कुशन या रास्ता दे दिया तो फिर वही कुछ करेंगे जो कि इस वक्त लाहौर में या कराची में या मुल्तान में या फैसलाबाद में या देहात में लोग बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है हाइब्रिड को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि माल बड़ा है। देखिए जब इंटेग्रिटी पैट्रियोटिज्म की बात आएगी सेल्फ स्टीम की बात आएगी तो मैं कहूंगा कि हम क्रिकेट नहीं खेलते। अगर आपने हमारा मोरल डाउन ही करना है ये बातें कर करके कि हम नहीं आ रहे जी पैसे ले रहे तो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट का स्टांस है। स्टांस क्या है, उनके इकदाम क्या है, एंटी मुस्लिम है हम सब जानते हैं ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ है क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है आप जानते हैं कि इलाहाबाद जैसे तारीखी शहर का नाम बदल दिया गया है, अब अहमदाबाद का नाम बदलने के बारे में बात हो रही है, दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा अब ये और भी इससे आगे भी जा रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है ये भी एक हिंदू मंदिर था या इसका पसमंदर इसको तरीक को रीराइट करना चाहिए, उसमें कोर्ट में चले गए। स्टेडियम ही आप सरहद के दरमियान में बना दें कि आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, ना इंडिया पाकिस्तान जाता है ना पाकिस्तान इंडिया आए और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो।
तो दोस्तों पाकिस्तान का रोना यही है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और सभी सिर्फ बीसीसीआई की बातों को मानते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इसका एक ही रीजन है, बीसीसीआई और आईसीसी को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और इसी वजह से उनकी बात सब मानते हैं। हर बार की तरह पाकिस्तान मीडिया और बोर्ड का रोना धोना अब भी जारी है क्योंकि उन्हें लगता है कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई के प्रेशर में डिसीजन लेता है। अब सब कुछ आईसीसी की 29 नवंबर को मीटिंग पर डिपेंड करता है क्योंकि इसके बाद बीसीसीआई को फाइनल डिसीजन लेना है कि हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे टूर्नामेंट या नहीं। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में प्रपोजल उनकी अकलमंदी का एक मिसाल है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आईसीसी के लिए हाइब्रिड मॉडल को अप्रूव करना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान इस मॉडल पर जिद करेगा और आईसीसी इससे रिजेक्ट करेगा तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से पूरी तरह चली जाएगी। पाकिस्तान मीडिया कहती है कि हाइब्रिड मॉडल उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर यह प्लान फेल होता है तो उनका सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनकर किसी और देश में शिफ्ट हो सकती है और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आईसीसी काफी समझदारी के साथ काम कर रहा है क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का मामला है। अब ये बात तो सबको पता है कि बीसीसीआई क्रिकेट दुनिया में कितना पावरफुल है, जो बीसीसीआई बोलेगा वही होगा। पाकिस्तान के लिए यह डिसीजन सिर्फ उनकी होस्टिंग का नहीं बल्कि उनके क्रिकेट सिस्टम और रेपुटेशन का भी है, लेकिन जैसे अब तक का हाल है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि आईसीसी और बीसीसीआई का डिसीजन क्या होता है और पाकिस्तान का रिएक्शन कैसा रहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से चली जाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।